यह पहली बार हुआ कि गधैया नर्तक के अगवा को घुड़सवार का तमगा मिला हो। चौंकाने वाली बात यह है कि घुड़सवार का तमगा देने वाले खुद भी गधैया नर्तक के संरक्षकों में आते हैं, यानी जो कल तक उबले बासी चावल को तड़का लगाकर बिरयानी बना देते थे, अब वे कबाब के कारखाने खोल रहे हैं। यह ठीक उसी तरह है कि लोमड़ी के पिछवाड़े पर तीतर बैठाकर उसे उसका शिकार करने के लिए उकसाया जाए। मतलब जॉर्डन को दुनिया के मुसलमानों में से केवल एक ऐसा मुसलमान मिला जिसे उन्होंने मुसलमान ऑफ द ईयर चुना। वैसे इस तरह की सोच से इनकी खटारा बुद्धि का पता भी चलता है, जो धर्म के अंदर भी श्रेष्ठता तलाशते हैं। पर सवाल यह है कि जॉर्डन की संस्था रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने इस फंटर इमरान नियाजी का ऐसा कौन सा करतब देखा जिसमें इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान नजर आया, जो खुद गोबर बेचकर देश चलाने की बात करता हो, वो कैसा मुसलमान है? जॉर्डन की संस्था द्वारा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस जनाब का जीवन मुस्लिम लोगों के लिए प्रेरणा है, इसका राजनीति में अहम योगदान है, जो एक ही झटके में पाकिस्तान का पीएम बन गया। वैसे 27 सितंबर में इनका यूएन का भाषण सुनकर यदि दुनिया के मुसलमान प्रेरित होते हैं तो धरती की एक तिहाई आबादी जिहादियों से भर जाएगी। पिछले साल इसी संस्था ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को भी मुस्लिम ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। यानी दुनिया में जितने भी तानाशाह और फोड़ नेता है, यह सब इस संस्था के लिए प्रेरक मुसलमान है। दरअसल रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर हर साल प्रभावशाली मुस्लिम लोगों की मैगजीन निकालती है। संस्था की ओर से टॉप 500 लोगों की मैगजीन निकाली जाती है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया जाता है। यह मैगजीन चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए भी विख्यात है, क्योंकि इसके द्वारा चुने जाने वाले अधिकतर मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आर्थिक और कूटनीति के मोर्चे पर बुरी तरह असफल हो चुका यह वजीर आजम अब पाकिस्तान की गद्दी पर अंतिम दिन गिन रहा है। इसने जिन चुनावी वादों और 2014 में डी चौक के 126 दिन की धरने की बदौलत इस्लामाबाद की सत्ता प्राप्त की, वह फजलुर रहमान का कोभाजन बनने जा रही है। हालत यह है कि इस मुस्लिम ऑफ द ईयर से जनता पूछ रही है कि ना पाकिस्तान आखिर कहां है, लेकिन असली मामला तो इससे बहुत आगे है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दित्तई और इमरान खान की दोस्ती के चर्चे आम हैं। यह वही अब्दुल्ला है जो जनवरी 2019 में कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, पर ऐसे गुमनाम और छुछंदर देश को भारत ज्यादा घास नहीं डालता है। हालांकि जॉर्डन का राजा फरवरी 2018 में 3 दिन की राजकीय यात्रा में भारत आया था। इससे पहले फरवरी 2018 की शुरुआत में पीएम मोदी भी जॉर्डन जाकर आए थे। गौरतलब है कि किंग अब्दुल्ला दित्तई बिन अल हुसैन खुद को पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी के वंशज बताते हैं, और वह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा के संरक्षक भी है। लेकिन इस वक्त जॉर्डन में जिस प्रकार चरमपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे इमरान नियाजी और एर्दोगन जैसे लोगों के मुस्लिम ऑफ द ईयर बनने से कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जॉर्डन जैसे इस्लामी मुल्क ऐसी हरकतें करके कट्टरपंथ को बढ़ावा ही दे रहे हैं। खास बात यह है कि इमरान खान को मिले मुस्लिम ऑफ द ईयर अवार्ड से जॉर्डन उनकी सत्ता को बचाने की चेष्टा करता दिख रहा है। पाकिस्तान में चर्चा यही है कि इमरान सरकार ने जॉर्डन के सामने गिड़गिड़ाकर उनकी गद्दी बचाने की गुजारिश की थी। अब इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इस पुरस्कार के आधार पर तहमत बाजों के सामने तबले बजाएगी, यानी यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान की गद्दी पर बैठा वजीर आजम साल का श्रेष्ठ मुसलमान है। जबकि सच्चाई यह है कि इस फंटर को बैगर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था। लेकिन जॉर्डन के मदरसे भी पाकिस्तान से कहीं पीछे नहीं है। इस देश में भी पिछवाड़े पर मोर के पंख बांधकर कुव्वतें की जाती है, शायद इसलिए ही इजराइल इसकी दुम को बीच बीच में मरोड़ता रहा है। यानी इधर भारत पड़ोसी पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने लगा रहा है, उधर इजराइल भी अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर कई बार प्रतिबंध लगा चुका है। मतलब साफ है, इमरान नियाजी को मुस्लिम ऑफ द ईयर का अवार्ड तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो भुनाने की बात हो सकती है, पर दुनिया में इस अवार्ड का संदेश यही जाएगा कि एक चरमपंथ ने दूसरे चरमपंथ को पुरस्कृत करके बाकी पाकिस्तानी मुसलमानों के तहमत पर एक और धब्बा लगा दिया। क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथ को लेकर जितना बदनाम है, जॉर्डन की संस्था ने इसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। खासतौर से इमरान ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जॉर्डन से जो अनुरोध किया था, उसका पाकिस्तान में ही विरोध शुरू हो गया है।
यानी मुस्लिम ऑफ द ईयर बनकर अब इमरान खान अगले कुछ माह में बिना मूछ के लंबी दाढ़ी में दिखाई दे सकते हैं, वे भी उस कटोरे के साथ जिसमें यह अवार्ड नजर आएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।